ये वो छोटी बहन है जो अपनी बड़ी बहन की सफलता, उसकी कामयाबी से इतनी खुश है कि वो इस बारे में बताने से उसके आंखों में आए आंसू को रोक भी नहीं पाई। उसका जी भर आया, उसका गला भर आया, वो कुछ कहने की हालत में ही नहीं कर रही। सकी तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि अभी मैं दीदी के ही कॉलेज में जाके मैं भी स्टेट लेवल तक जाऊंगी। सिर्फ स्टेट ही नहीं, मैं भी दीदी की तरह ओलंपिक तक भी जाऊंगी मैं। फिल्म दंगल और मेरी कॉम दोनों मूवियों से प्रेरित होकर मीरा रोड की एक 12वीं की छात्रा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके कारण आज न केवल उसके घर परिवार बल्कि पूरा मीरा रोड शहर आज उस पर नाश कर रहा है। सामान्य फैमिली से आने वाली काव्या करकेरा ने हाल ही में स्टेट लेवल की वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर ने काव्या करकेरा से बातचीत की तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए हमसे बताया कि सफलता के लिए तो मैं अपने मॉम डैड को देना चाहूँगी एंड मेरे सर, कॉलेज के सर सुरेश छेड़े सर, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। और जिधर मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, मोरे सर, वो दोनों ने बहुत हेल्प किया है, सपोर्ट किया है सब कुछ। उनके वजह से ही मैं यहाँ पर यहाँ तक आई हूँ। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। एंड प्रेरणा तो बस कॉलेज में गई थी तो वहीं पर से मिला सर। सर ने मोटिवेट किया कि तू जा, तू कर सकती है, उनके वजह से सब किया मैंने। गोल्ड मेडल तो बहुत बड़ा ड्रीम था करने का, जब मुझे पता चला कि मैं कर सकती हूँ। अभी तो बस इतना है कि ओलंपिक जाना है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो होप सो सब हो जाए अच्छे से नेशनल के बाद। मैं घाटकोपर में जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए, कॉलेज बांद्रा में है। वहाँ पर पुलिस ग्राउंड है, वहीं पर प्रैक्टिस करती हूँ मैं। सर की एक स्टूडेंट है, उनके थ्रू मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करती हूँ। बिकॉज हमारे कॉलेज में बार नहीं है लोग एलिको का, सर मेरा ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव होने के लिए सर ने वहाँ भेजा मुझे। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, और बिकॉज घाटकोपर मैं बाया दादर जाती हूँ तो जल्दी पहुँचना पड़ता है, तो 7 o'clock को रीच होना रहता है। बट मैं 7:30 जाती हूँ बिकॉज ट्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी लेट की वजह से। मैं वहीं पर बस फिर वहाँ से डायरेक्ट कॉलेज, लेक्चर्स कभी कभार अटेंड करती हूँ, वरना ज़्यादा टायर्ड रहती तो घर आ जाती हूँ। फिर अटेंड करती हूँ तो फिर मैं फिर वहाँ से डायरेक्ट क्लासेस भी चली जाती हूँ। हाँ यस, वो दंगल एंड मेरी कॉम दो फिल्म्स है जो मैं देख के बहुत खुश होती थी, तो वो दोनों फिल्म्स मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैं भी सोचा करती थी कभी मैं भी कुछ करूँगी, बट इतना जल्दी इतना अचीव करूँगी सोचा नहीं था। बट आगे और भी है सब करने का, करूँगी। अब तो कुछ नहीं, बस मॉम डैड को खुश करना चाहती हूँ, प्राउड फील कराना चाहती हूँ, और अपनी इंडिया को प्राउड फील कराना चाहती हूँ। बस ओलंपिक में मेडल चाहिए, दैट्स द बिग गोल। मेरा सपना है कि मैं इंडिया के लिए स्टेट रिप्रेजेंट करूँ और इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। ये मेरा सबसे बड़ा गोल है। उसके बाद मैं ये भी चाहती हूँ कि जो भी ये फील्ड में सर है मुझे थोड़ा मोटिवेट करें, हेल्प करें छोटी छोटी चीज़ों में कि टेक्निक्स एंड ऑल, फिर उसके हर एक चीज़ों में। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे थोड़ा मोटिवेट सपोर्ट करे ताकि मैं हमारे इंडिया का नाम सारे देश में रोशन कर सकूँ। अभी तो डैडी फुल सपोर्ट में है, मम्मी भी फुल सपोर्ट में है, उनके वजह से ऑफकोर्स मैं आगे गई हूँ इतना तक। उनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, बिकॉज मम्मी ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया है कि इतना तो आई डोंट थिंक किसने किया होगा। मम्मी ने बहुत कुछ ये किया है, कुर्बानियाँ की है, डैडी से लड़ाई की है। मुझे स्टेट में मिला मेडल जो बुल्डाना में हुआ था वाया मालकापुर, वहाँ पर मैंने 44 kg स्नैच किया था, 45 kg ने जो किया था। मैंने 50 भी अटेम्प्ट किया मेडल था बट वो नो लिफ्ट किया प्रेशर आउट की वजह से। चौड़ कर एंड उठ।
टोटल मेरा 89 था, उसके वजह से मुझे गोल्ड मिला था। वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है जो था, आई गेस 365 समथिंग था, तो मुझे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ना है ओलंपिक में, बट उसके लिए मुझे बहुत मेहनत है। ऑफकोर्स मैं वो करूँगी, पाना तो बहुत कुछ है सबको। मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद में मैं बोला है स्टेट लेवल में जा रहे, फिर भी मना किया उसको। स्पीड से कॉलेज का सर लोग इनको बोल तो अच्छा से इनको बोल रहा था, नहीं तुमको गवर्नमेंट काम मिलेगा, ये मिलेगा और तुम आगे भी बढ़ सकते इसमें। बोलने बाद में बेटी ने मेरे कैसा बोला, बोलने के बाद मेरे को अच्छा लगा। मैं औरत को भी मैं डांटता था नहीं जाने के एकदम, फिर मेरे वाइफ भी मेरे को समझाया ऐसा नहीं है, सर लोग इतना सपोर्ट दे रहे, मैडम जा रहे साथ में, और जाते टाइम में उन लोगों को भी बोला मेरे को ये तुम्हारा लड़की का इन लोगों सब बॉडी कर रहा है, तुम चिंता मत करो, तो अपने जाके फिर जाके आने तक भी आपका बेटे को अपन सहारा देगा करके बोला। उसके बाद में वो मेडल जीत गई बोली, मैंने कॉल किया इसके लिए मेरे को बहुत खुश हो गया। मैं भी सोचता हूँ आगे भी कुछ कर। दीदी तो अभी पहले स्कूल कॉलेज जाती थी, फिर अभी स्टेट गई तो बहुत अच्छा लगा। फिर जब दीदी बोलती थी कि बहुत अच्छा लगा जब दीदी स्टेट तक गई, मम्मी जब बोलती दीदी की तरफ कर करके, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि अभी मैं दीदी के ही कॉलेज में जाके मैं भी स्टेट लेवल तक जाऊंगी। स्टेट ही नहीं, मैं भी दीदी की तरह ओलंपिक तक भी जाऊंगी। मैं मम्मी पापा अभी जो है कि खुश है इस दीदी ने जो कारनामा अंजाम दिया उसको लेकर, आप खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश लग रहा है, और आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं और आगे जाओ करके इसको। अब अच्छा जॉब मिलेगा तो और भी हम लोग अच्छा लगता है। फिर मेरे को एक डर है, बस 12th है ना, इसमें इसको एजुकेशन में ही नहीं कर रखे, एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहे थोड़ी पढ़ाई पहले कर। मैं भगवान से ही मांगती हूँ सब कुछ, भगवान आपका साथ में रहे, हम लोग का साथ में आती है, भगवान ही रहे सब कुछ करते हैं हम लोग। हाथ बेटी करके इसको डरता है ऐसे सब जाने का, नहीं जाने का, घर पे रहने। मैं बाद में इसको मेरा मम्मी का सपोर्ट था हम लोग के लिए, इसके मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ। मेरा मैं स्पोर्ट्स में स्कूल में सब आगे था, ऐसे मेरा आगे नहीं बढ़ सकती, मेरा इसमें गाँव में से ये सब सपोर्ट नहीं था। अभी इधर मेरा बेटी जा रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं भी खुश हूँ उसमें। मुझे लग रहा है तो मेरा बेटी है, मेरा सपना सब पूरा कर रहे है, ऐसे मेरे को बहुत खुशी है उसका। मेरे को लड़का नहीं है, दोनों लड़की हैं, लड़की है तो अपन लड़का से कोई कम नहीं है, इसलिए मैं सोचा कभी भी सोच रहा हूँ लड़कों लोग को लड़की का जैसे लड़का का काम करके दिखाएगा करके, मेरे को इतना इच्छा है इन लोगों पर। मेरे बेटियाँ लड़कों से कोई कम नहीं है। किराए के मकान में रहने वाले और होटल में काम करके अपने परिवार का पेट पालने वाले जनार्दन करकेरा का सपना है कि उनकी बेटी इंटरनेशनल लेवल पे खेले। हम उम्मीद करते हैं कि काव्या करकेरा को स्थानीय नेता, प्रशासन और सरकार काव्या करकेरा को हर वो सुविधा उपलब्ध कराए, हर वो मदद दे जिसके चलते काव्या करकेरा इंटरनेशनल लेवल तक जा सके और पूरे दुनिया में हमारे देश का